हमारी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहली बात फर्म का साइज। अब आप सोचकर देखो, फर्म आपकी बहुत बड़ी है, फर्म आपको बहुत बड़ी है तो कैपिटल ज्यादा चाहिए। अब कैपिटल ज्यादा चाहिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट होगा ना, जो प्रोपोर्शन होगा, वो भी एक डिफरेंट तरीके का होगा। एक फर्म जिसको 1 करोड़ रुपए चाहिए वो तो छोटे मोटे कहीं से भी अरेंज कर लेगी। एक फर्म जिसको 100 करोड़ चाहिए वो क्या करेगी, थोड़ा सा पैसा इक्विटी से आने दे, थोड़ा प्रेफरेंस से आने दे, थोड़ा यहां से ले ले, थोड़ा वहां से ले ले। तो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट होगा ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होने वाला है, तो उसको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो फर्म के साइज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। अगली बात, स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। तो अगर हमारी अर्निंग अच्छी है, रेगुलर हम पैसा कमाते हैं, अगर हम रेगुलर पैसा कमाते हैं तो लोगों को टाइम पे दे भी देते होंगे, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मल वाला अच्छा वाला होना चाहिए। अगर हम लोगों को टाइम पर पैसा देने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट से लोगों से लिया हुआ पैसा हमको शो करता होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो लोगों को पैसा टाइम पे दे देते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका सिंपल होगा। अदरवाइज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप का होने वाला है। थर्ड है डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन पे भी डिपेंड करेगा, सामने वाले को देखकर हमें भी कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे डिसाइड करना होता है। कॉम्पिटिशन ज्यादा है पैसा ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है, बहुत जगहों से पैसा आया हुआ होगा। स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। अगर फर्म बार बार ग्रो कर रही है, अच्छी चल रही है, अर्निंग अच्छी हो रही है, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि पैसा पड़ा रहता है, फिर आपका कैपिटल थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। तो फर्म के साइज पर भी आपका डिपेंड करता है, फर्म की लाइफ साइकिल पर भी डिपेंड करता है। आगे है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बेस पर भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत डिपेंड करने वाला है। अगर आपके ऊपर काफी सारी बाधाएं हैं, ऑब्लिगेशन है, आपको हर हालत में इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो इंटरेस्ट हमें कैसा पे करना है, कितना पे करना है, ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट करता ही है। अगली बात है हमारी कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर हम लोगों को टाइम पर कैश फ्लो पे कर देते हैं, लोगों को टाइम पर पैसा पे कर देते हैं, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होगा। टाइम पर पैसा पे नहीं कर रहे तो पैसे की रिक्वायरमेंट भी हमको भी ज्यादा चाहिए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि कैश फ्लो हमारा जो फर्म का है, ये भी आपको डिसाइड करा देगा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होने वाला है। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, तो आपको टॉपिक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमको ये देखना होता है कि हम डेट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं, डेट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं, लोगों को कितना डिविडेंड पे करने वाले हैं। तो ये सारी बातें भी आपको डिसाइड करा देंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा इफेक्ट होता ही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, शॉर्टकट के अंदर है, एक बार बस आप पढ़ते जाइए, हो जाएगा बहुत जल्दी से। आगे है रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपने टैक्स वगैरह पे करना है तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा डिफरेंट नेचर का होने वाला है। इन्होंने यहां पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, जैसे हमारे पास ये डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 11% और हमारे पास एक अदर ऑप्शन है शेयर कैपिटल का, इसके ऊपर 11% पे करना है डिविडेंड। तो यहां पर देखो हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अर्निंग आ रही है, 77,000। जब हमने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, तब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हमने डिबेंचर्स भी इशू किए हुए हैं तब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर देखिए डिबेंचर्स की प्रेजेंस में इक्विटी शेयर्स के लिए प्रॉफिट बच रहा है 77,000, जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है 27,500 रुपए। तो ये काफी सारी बातें हमारा फर्क करती है। तो कहीं ना कहीं डिबेंचर्स की वजह से हमारा 50,000 रुपए
टैक्स की वजह से बच रहा है, हमने टैक्स का बेनिफिट ले लिया है। तो अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो तो डिबेंचर्स इशू कर दो। जब डिबेंचर इशू करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। डिबेंचर इशू नहीं किए तो आपने क्या काम किया हुआ है, या तो इक्विटी शेयर है आपके पास या प्रेफरेंस शेयर है, तो वहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं लेने वाला, नहीं मिलने वाला। टैक्स का बेनिफिट लेना है तो डिबेंचर इशू कर दो। डिबेंचर इशू करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, टैक्स की रेट भी हमारी ये डिपेंड करती है। अगला है हमारा रिटेनिंग कंट्रोल। अगर आप प्रॉफिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को अब डिविडेंड नहीं देना चाहते हैं, तो हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होगा। अगली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द फर्म शुड बी फ्लेक्सिबल, द फर्म शुड बी कैपेबल ऑफ द चेंजिंग इन द रिसोर्सेज ऑफ फंड्स इन द नाइदर आइदर डायरेक्शन। मतलब जब भी आप चाहो अपने सोर्सेज के अंदर आप चेंज कर पाओ, जब चाहो लोगों को पैसा रिटर्न कर दो, जब चाहो आपको पैसा वापस टाइम पर मिल भी जाए। तो अगर ऐसा है तो इसके ऊपर भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बहुत डिपेंड करने वाला है। किसके ऊपर? फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो अगर लोगों को आप टाइम पे पैसा वापस कर देते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। लोगों को अगर आप टाइम पर पैसा वापस नहीं करते हो तो आपका मनी कैपिटल की फॉर्म में शो होता रहेगा, तो वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाएगा। अगली बात है कैपिटल मार्केट की कंडीशन। कैपिटल मार्केट की कंडीशंस होती है, कुछ गवर्नमेंट की कंडीशंस भी होती है, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड कराएंगी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखने वाले हो। क्या है ये पॉइंट थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट कंडीशन गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम। कहता है कि कैपिटल मार्केट जो कंडीशन होती है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। समटाइम्स मे बी डिप्रेशन वाइल अदर टाइम मे बी ए बूम। कभी कभी मार्केट डाउन होती है और कभी कभी मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है। इन द कैपिटल मार्केट, इन द शेयर मार्केट डिप्रेस ऑन द बूम, बट इशू डिबेंचर बिकॉज द इन्वेस्टर वुड प्रेफर सेफ्टी फ्रॉम द प्रोफिटेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, डिबेंचर्स को इशू कर दिया। डिबेंचर्स को इशू करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं पर क्या फील होता है, प्रोफिटेबिलिटी का सेफ्टी फील होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी बूम पे चल रही है, बूम पे चलने का मतलब होता है कि लोगों को हम टाइम पे पैसा पे कर देते हैं, लोगों को हम डिविडेंड टाइम पे कर देते हैं, तो लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, लोग खरीदना पसंद करेंगे इक्विटी शेयर। कंपनी की हालत अच्छी नहीं है तो कंपनी क्या, कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा, डिविडेंड के थ्रू। कंपनी की हालत बहुत अच्छी है, कंपनी लोगों को बोल रखा है कंपनी ने ये तुम जब चाहो डिविडेंड ले लेना, तो कंपनी की हालत किसमें है, बूम। तो बूम में है तो हम लोग पैसा कैसे लगाएंगे, इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी के अंदर पैसा लगाते हैं उनको डिविडेंड ज्यादा मिलने वाला है। तो ये बातें भी डिपेंड करती हैं। आगे क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म। क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म का मतलब है कि फर्म्स विच इंजॉय हाई क्रेडिट स्टैंडिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर एंड द लेंडर इन द कैपिटल मार्केट एज इन द एडवांटेजेस पोजीशन टू रेज फाइनेंस ऑन इजी टर्म्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द हायर देयर चॉइसेस। जब जब हमको लगता है कि लोगों से आसान शर्तों पर, आसान किस्तों के ऊपर हमको लोन मिल सकता है, पैसा उधार मिल सकता है, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको लोग आसान शर्तों पर, किस्तों पर पैसा नहीं देते हैं, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मल हालत में होने वाला है। अगली बात है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको डिबेंचर्स भी इशू करने पड़ेंगे। डिबेंचर्स इशू करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स हालत में होने वाला है, मतलब थोड़ा सा टिपिक होने वाला है। अगर आपने डिबेंचर इशू नहीं किए, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं लिया, तो क्या होने वाला है, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में होने वाला है। तो ये भी बातें हमारी डिसाइड कर देती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का टॉपिक आपका 12th अकाउंट बिजनेस स्टडीज में भी आता है, तो वहां पे जाओ तो वहां पे भी थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। आगे है लीगल रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लाठी तोड़ रखी है, गवर्नमेंट कहती है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की बातों को आपको मानना पड़ेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कराने में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट, सेबी की गाइडलाइंस, ये बातें भी आपको ध्यान से रखनी होती हैं। फिर अगली बात है फ्लोटिंग कॉस्ट। अगर आपकी फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू करने के टाइम पर ही खर्चा ज्यादा कर दिया, डिबेंचर इशू करने के टाइम पर खर्चा ज्यादा कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण है। फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप रहने दो, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट कम है तो लोगों से पैसा ले लो। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा ये फ्लोटिंग कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है।
अगली बात है लीवरेज रेशो और अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। हमको दूसरी फर्मों के ऊपर भी देखना चाहिए, दूसरी फर्में कैसे काम कर रही हैं। तो दूसरी फर्मों को देखकर भी कभी कभी हम क्या करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। नेचर ऑफ द इन्वेस्टर्स, अगर हमारे को पैसा देने वाले मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से हमारे पास पैसा जल्दी आ जाता है तो हम नॉर्मल से इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले लेंगे। अगर अकेले इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा पैसा तो इक्विटी शेयर होल्डर से लेने की कोशिश करेंगे, बाकी का पैसा कहां से लेंगे, डिबेंचर होल्डर से, फिर बाकी का पैसा कहां से लेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो इसीलिए हमको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमको पैसा नॉर्मली तरीके से मिल जाता है तो नॉर्मल तरीके से निकलवा लो, नहीं तो फिर हमको डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनाने पड़ते हैं। आगे हमारा कंसल्टेशन विद द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड द लैंडर्स। कभी कभी जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ और उधार देने वाले लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं तो वो भी हमारा डिस्कस डिसाइड कर देते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था काफी सारे लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अदर चेंज तरीके का हो सकता है। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन होता है पैसे को लेकर किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट भी डिसाइड करेगी अल्टीमेटली फाइनल में कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है।